नमस्कार। आज टीम इंडिया के लिए बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि टीम इंडिया वेस्टइंडीज में 2-1 से सीरीज से आगे चल रही है, और अगर आज जो कि जमैका में मैच खेला जाएगा उसको टीम इंडिया जीतेगी तो टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा कर लेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जमैका में जय हो, टीम इंडिया को ऐसा ही खेल दिखाना होगा। एंटीगा में जो कुछ हुआ उसे भूलना होगा, नए सिरे से तैयारी करते हुए जमैका में जीतना ही होगा। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी और साथ ही साथ मेरे सहयोगी गौतम भी है। वैसे कहा तो यह जा रहा था कि जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से वेस्टइंडीज के दौरे पर आई थी कि टीम इंडिया को नए खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहिए था, और वेस्टइंडीज की टीम में इतना दम नहीं है कि आप सारे सीनियर खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के दौरे पर भेज रहे हैं, इसलिए उनको रेस्ट देके कुछ यंगस्टर्स को आजमाना चाहिए था। लेकिन एंटीगा में जो हुआ उससे तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हमारी टीम भी वेस्टइंडीज की टीम हमारी टीम को टक्कर दे सकती है, और जैसा कि वेस्टइंडीज की टीम ने करके भी दिखाया। अमित भाई, सवाल ये अब यहां पे बनता है कि गलतियों से क्या सीखें, और क्या आपको लगता है कुछ प्लेइंग 11 में चेंज करेंगे विराट कोहली इस मैच के लिए? देखिए, चेंज एक ही होता है अगर वो भी अगर दिनेश कार्तिक की जगह होता, क्योंकि युवराज सिंह वापस आते तो दिनेश कार्तिक प्रैक्टिस तो कर रहे थे, कल दिखाई दिया कि प्रैक्टिस एरिया में थे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे लेकिन एरिया में थे। फिर आप गलत करेंगे, क्योंकि फिर युवराज सिंह को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लास्ट मैच या रेस्ट नहीं देना चाहिए था। अब आपने दिनेश कार्तिक को चांस के, एक मैच वो फ्लॉप हुआ है तो वो टीम से बाहर, तो युवराज सिंह वापस आ, ना दिनेश कार्तिक उसमें फायदा हुआ ना युवराज सिंह का फायदा हुआ, तो यहाँ पर रोटेट ही होता रहा। तो अगर आप 4 नंबर पर रोटेट ही करते रहेंगे तो आप ऐसे ही मध्यक्रम में आप मुश्किल लगता कि आगे आपको कोई बेनिफिट होगा। जब आप सीरीज से पहले सोचते हमें किसी को चांस देना था, फिर आपको चांस देना चाहिए था, किसी को पूरा रन देना चाहिए था, जैसे आप कुलदीप यादव को दे रहे हैं कि सारे मैच खिला रहे हैं, हाँ एक बॉलर आपको दिख रहा है, ऐसे आप किसी एक बैट्समैन को ट्राई करते, बेशक आप ऋषभ पंत को ट्राई करते या दिनेश कार्तिक को ट्राई करते, आपने राणे को इसलिए खिलाया कि रोहित शर्मा, अगर रोहित शर्मा नहीं होते तो राणे भी सीरीज में बाहर बैठते हो, और जो हमने उनके रन देखे हैं शायद वो भी देखने को नहीं मिलते। युवराज सिंह 3 मैच आपको लग रहा है कि इनफ नहीं है? 3 मैच उनको दिए गए, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको पूरा खिलाया। देखिए, अगर आपने एक प्लेयर को पिक किया है तो आपको पूरे चांस देना पड़ेगा, क्योंकि इतना सीनियर मोस्ट प्लेयर है जी। तो ये चीज आपने एक बार हरभजन सिंह के साथ की थी, जब आपने श्रीलंका में टेस्ट दौरा किया था, जब आपने हरभजन सिंह एज ए सीनियर पिक किया, वहाँ जब आपने बाहर बैठाया तो फिर सिलेक्टर्स भी कहते हैं अगर इतने बड़े प्लेयर को बाहर बैठाना है तो पिक मत करो, अगर पिक करना है तो 11 में खिलाओ। तो यही चीज युवराज सिंह के साथ है, अगर आपने पिक किया तो 11 में खिलाना पड़ेगा, नहीं तो टीम में जगह नहीं बनती फिर 15 जी। गौतम, आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं? आपको लग रहा है कि जैसे अमित भाई कहने के शायद एक ही वहां पे चेंज हो सकता है, दिनेश कार्तिक की जगह युवराज सिंह आए या फिर दिनेश कार्तिक को ही कंटिन्यू करे विराट कोहली? देखो, बहुत क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ अब यहाँ से, ये पहली सीरीज थी आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी और इसको बोला जा रहा था बिल्डअप टू द 2019 वर्ल्ड कप। इसमें अब दो असंबल्स ये है कि एक तो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, युवराज सिंह फिटनेस के भी इश्यूज के कारण ऑफ एंड ऑन उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहे, दूसरी तरफ आपके ऋषभ पंत थे जो काफ़ी क्या कहते प्रभावी खिलाड़ी है, और ऋषभ पंत के साथ भी 4 वनडेज हो गए, टीम की बैटिंग ऑर्डर कलेक्टिवली फिट नहीं रही या एक साथ उन्होंने फायर नहीं किया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 5th उसमें एक चांस मिल सकता है ऋषभ पंत को। और क्योंकि क्या कहते हैं वो भी सोच रहे होंगे कि 4 वनडेज ना खेलने के बाद थोड़ा उन शायद भी कॉन्फिडेंस आता है उनको, लगता है कि बचाया हुआ है T20 के लिए। अमित भाई आप कुछ कह रहे हैं? मैं कहता हूं कि 3 चेंजेस होते शायद लास्ट मैच में, शायद भुवनेश्वर कुमार नहीं खेले थे जी, तो मोहम्मद शमी लाए थे, तो शायद वो भी चेंजेस होंगे, क्योंकि आपने अब सीरीज जीतनी है, क्योंकि 2-1 हो गया, अगर आप 3-0 होते तो शायद आपको ऋषभ पंत को डेब्यू करने का मौका मिल जाता या किसी और एक प्लेयर को मौका मिल जाता खेलने का, पर यहाँ पर अब ऐसा आ गया कि जहाँ पर आपको किसी को आप डेब्यू नहीं कराएंगे, एक अच्छी टीम बैलेंस नहीं। एक सवाल यहाँ पे और उठता है, क्या वेस्टइंडीज ने अब आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है पिछले मैच की हार के बाद? जिस टीम को आप इतना हल्का ले रहे थे, जिस टीम को आप कुछ आंख नहीं रहे थे, उसने अपने प्रदर्शन से बता दिया कि आप हल्के में नहीं ले सकते, और अगर आप ये वाला मैच गंवाएंगे तो फिर सीरीज भी नहीं जीत पाएंगे। देखिए, जब एक मैच बरसात से धुल जाता है और एक मैच आप हार जाते हैं तो आप सीरीज में रहते हैं जी, तो अब ये सीरीज में वेस्ट इंडीज से आप सोचेंगे मजबूर इंडिया को इसलिए कर दिया क्योंकि अगर यहाँ हारते हैं तो 2-2 से बराबरी से सीरीज करके आते हैं, फिर वही बात आएगी कि हम एक अच्छी टीम वेस्ट इंडीज लेके गए जहाँ हमने यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया, हमारी बेंच स्ट्रेंथ को भी नहीं देखा, हमने मजबूत टीम खिलाई, अगर वहाँ से 2-2 करके आते हैं तो आलोचना झेलनी पड़ेगी, और प्लस अगर जीत के आते हैं तो 3-1 तो सभी कहेंगे एक या इन मैं कहूँगा इनएक्सपीरियंस टीम को आपने हरा के आए हैं जी। हाँ, और कल 7 तारीख है, कल महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे है, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कल बर्थडे, आज 6 जुलाई है, और टीम इंडिया ये जरूर चाहेगी कि धोनी को उनके बर्थडे से पहले, अगर वैसे देखा जाए तो मैच 7 जुलाई को ही खत्म होगा, तो बर्थडे से पहले उनको गिफ्ट दिया जाए। अमित भाई, महेंद्र सिंह धोनी चाहे कितना भी कह लें कि फिनिशर का रोल उनका नहीं रहा है, अब उनकी बल्लेबाजी अलग हो गई है, लेकिन घूम फिर के कहानी धोनी पर ही आ रही है कि अगर इंडिया फंस रही है तो धोनी को ही मैच जिताना होगा। देखिए, कई प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि आपके पास वो बैलेंस नहीं है मध्यक्रम में जो पहले होता था जी, क्योंकि जब रिटायरमेंट सॉरी जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी तब सबने ये बोला था कि ये अब खुल के खेलेंगे, वैसा नजर नहीं है क्योंकि आपके ऊपर कुछ मैचेस में आपने उनको नंबर 4 पर भी आजमाया, अगर आप पर वही बात है कि जब तक ऊपर से जैसे टॉप रन करते हैं इनका रोल क्या है
क्या खुल के तभी खेल सकते हैं जब तीन नंबर पे खेलते हैं। आपने देखा इन्होंने 183 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए, 48 भी बनाए, पाकिस्तान के खिलाफ भी पहला शतक लगाया, तो उस जगह ये खुल के खेल सकता है। अगर आप इन्हें 5-6 नंबर पे ही रखेंगे और पोजीशन ऐसी आ जाएगी 70 पे 3 या 100 पे 3, तो फिर आपको वैसी ही बैटिंग मिलेगी जैसे दिखती है कि रन बॉल या 90 बॉल पे 80 रन या ऐसी बराबर चलेगा, क्योंकि ये प्लेयर अपने आप को उस जगह पे ना पहचान चुका कि मैं अगर इस जगह पे खेलूंगा तो मुझे ऐसे ही खेलना पड़ेगा अगर टीम को आगे लेके चलना है, क्योंकि अब डिफरेंट बॉल गेम हो गया। हाँ, पांडे के आने से ये फर्क पड़ गया कि नीचे एक प्लेयर है जो 20 बॉल में 25 रन बना सकते हो, तो थोड़ा प्रेशर वहाँ से रिलीज कम है। अदरवाइज अगर ऐसा प्लेयर पांडे जैसा प्लेयर नहीं होता तो शायद प्रेशर और बढ़ता जाएगा धोनी पे। गौतम, आपको लग रहा है कि कुछ जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा उठानी पड़ेगी, जिसमें कि केदार यादव भी हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं और रविंद्र जडेजा भी हैं। बिल्कुल, ये तो है ही है, क्योंकि इतने सालों तक अगर आप देखें जाए, पहले एक कॉम्बिनेशन था युवराज सिंह मोहम्मद कैब, उसका धोनी रैना और युवराज, जैसे ये बता रहे क्या कहते हैं, तो एक सेटल मध्यक्रम था और सबको अपना रोल बखूबी निभाना था। आप कहोगे कि हार्दिक पांड्या ने अपने IPL में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में भी अच्छी अपनी हिटिंग एबिलिटी दिखाई है, और लास्ट मैच उन्होंने खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि अपने से काफ़ी निराज और अपनी फिनिशिंग एबिलिटीज में काफ़ी बिलीव करते हैं। अगर नीचे आके कोई आदमी कैमी वगैरह खेल सकते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी पर भी, जो वो शीट एंकर का रोल इतना अच्छा नहीं निभाते, उनके पास अपना नेचुरल गेम खेलने का मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि अगर आपके विकेट्स गिर रहे हैं, और पूरे सीरीज में देखा गया कि टॉप 3 पे ज्यादा डिपेंडेंसी रही है, रहना आपके मिडिल ऑर्डर में नहीं है, ऊपर खेल रहे, तो एक फास से आपका प्लग निकल जाता है और धोनी को फिर वो सारे ओवर खेलने पड़ते हैं एज अ सीनियर प्लेयर टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल बनाने के लिए। और जब वो जीत नहीं दिला पाते हैं तो फिर सवाल उठते हैं धोनी की बल्लेबाजी पर कि क्या उनकी बल्लेबाजी धीमी हो गई, और धीमी रही भी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे धीमा शतक उन्होंने लगाया था पिछली बार एंटीगा में, और टीम इंडिया को जीत भी नहीं दिला सके थे। लेकिन एक खिलाड़ी है जो ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से ग्रैब कर रहा है, और मौके पर चौका मारना किसे कहते हैं, या जिनके रहने से सीखना चाहिए। अमित भाई, आपको लग रहा है कि ओपनिंग का स्लॉट बेशक ना हो, लेकिन अगर रोहित शर्मा वापस आएंगे तो अजिंक्य रहाणे ने प्लेइंग 11 में कम से कम अपना जो स्लॉट है उसको पक्का किया है। देखिए, ये भी एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि आप उसे चार नंबर खिलाएंगे, अगर आज युवराज सिंह खेलते हैं, अगर बाय चांस उन्हें शतक या अर्धशतक लगा दिया तो फिर आप कैसे रिप्लेस करेंगे जी? फिर तो 10 मैच के लिए फिर उनकी सीट बुक हो गई। यही अब वही कहा कि जब आप एक प्लेयर की जगह आपने रिप्लेस किया, 15 में रहेंगे पर आप यूज कैसे करेंगे, ये दिक्कत रहेगा। हाँ, अगर आज युवराज सिंह रन नहीं करते तो शायद अजिंक्य रहाणे को मैं फिर चार नंबर पे जाते देखूंगा, और फिर रोहित शर्मा ओपन देखेंगे, फिर आपको एक सेटल मिडल ऑर्डर देखेगा जहां पर एक प्लेयर मिलेगा जो कंसिस्टेंट रन करता और विकेट में टाइम बताता है। चलिए, आज मैच है, इंपॉर्टेंट मैच, और 5th ODI है और इसको जीतना है क्योंकि सीरीज आपको जीतनी है। इससे पहले उमेश यादव, जो कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। Honestly, it took a lot of time, only 3 minutes till the time I was very normal. You know, it's a part and parcel of the game. You know, I felt that I reacted in a way where I thought that, you know, it was just an outburst. You know, nothing specific. I wanted to do that, or it was intentionally or something like that. But yeah, I was pretty normal. I'm always like that in my life as well. I get hyper quickly, and after a few minutes, I'm laughing, and actually, I was laughing in the dressing room. You know, so yeah, I was disappointed, but still, in the end, it's all about, you know, team sports. You need to move forward and, you know, look forward. मुझे ज़हीर भाई ने एक बात बोली थी कि अगर आप जब जूनियर होते हो, जब आप नया नया टीम में आते हो, अगर आपकी जो गलतियां होती हैं, आप जितने जल्दी उस गलती से सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि जब भी मुझसे कोई गलती हो तो मैं बैठ के उसके बारे में सोचता हूँ कि मैंने क्या गलत किया था, मैं क्या अच्छा कर सकता था, तो उस पर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। नेक्स्ट मैच में डेफिनेटली मैं उस पर जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जो मैंने गलत किया था वो उस चीज़ को कम करके, जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट था, जो मैंने अच्छा किया था, उस पर ज़्यादा फोकस करूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती है जब आप एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हो और आपको पता हो जाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपको क्या करना है किस टाइम पे, और आपका वीक पॉइंट क्या है, आपको कहाँ पे बॉल नहीं डालनी है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मायने रखती है एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि तब जाके आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हो। फिलहाल तो टीम इंडिया को चैंपियन बनना होगा क्योंकि 5वीं वनडे की जंग है और सीरीज जीतनी है तो इस मैच को जीतना जरूरी है। मैच 7:30 बजे शुरू होगा, 7 बजे हमारी खास पेशकश फिर से आपके सामने हाजिर होगी। हमारे साथ अमित भाई जुड़े हुए थे, गौतम जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ रेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।